नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो में डिजीपे लाइट के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि डिजीपे लाइट के जो यूजर्स हैं, जो ब्लॉक चल रहे हैं, उनको आप लोग एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने और बताया था उसमें कि आपका पिन कोड भी ब्लॉक चल रहा है, तो उसको आप लोग कैसे देखेंगे कि आपका जो पिन कोड है, आपका जो यूजर आईडी ब्लॉक चल रही है, कहीं आपका इस पिन कोड में तो नहीं आता है। क्योंकि मेरे पास जो है उत्तर प्रदेश की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और जिन डिस्ट्रिक्टों में जिस पिन कोड से डिजीपे लाइट यूजर के लिए ये पिन कोड ब्लॉक हैं, उनका आप लोगों को लिस्ट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। पहले मैं सीरियल नंबर, फिर है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद सिटी, फिर पिन कोड। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है आगरा का। आगरा में है 28201। ये पिन कोड पे डिजीपे लाइट यूज़र नहीं काम करेगा। और इसके बाद कुबेरपुर है, उस पे नहीं काम करेगा। वहाँ पे जो पिन कोड है वहाँ पे 28206। इसके बाद अलीगढ़ है, इलाहाबाद है। यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट के सामने जो भी पोस्ट ऑफिस है, जो भी सिटी लगती है, वो पिन कोड भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग गौर से देखेंगे, अगर कहीं पे नहीं समझ में आता तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है, जेपीजी है, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पे जैसे फतेहपुर में डिगवारा है 21-26-57, फिर इसके बाद कूड़ा करना है 21-26-55, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर का जेवर है जहाँ पे 20-31-35, गाजीपुर है, पंड्यापुर, इसके बाद गोरखपुर है, हरदोई है, इसके बाद हरदोई में बेहता घोक है, हरदोई में मुरादपुर है, और इसके बाद जालौन है, जालौन में उमरी मढ़ है, इसके बाद जौनपुर है, जौनपुर में मिसीरपुर है, कन्नौज में सौरिखरू, कानपुर नगर भी में भी दो पिन कोड हैं जो ब्लॉक चल रहे हैं। यहाँ पे बर्रा, इसके बाद दुर्वा जम, महाराजगंज भी है, लोहरौली, इसके बाद मैनपुरी है, मैनपुरी में दो जगहों पे है, और इसके बाद मथुरा भी है, मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में अदालपुरा, मुजफ्फरनगर है, इसके बाद पीलीभीत है, सहारनपुर है, संत कबीर नगर है, इसके बाद संत रविदास नगर भी है, सिद्धार्थ नगर में भी एक पिन कोड ब्लॉक चल रहा है 2721-91 हलूर में, इसके बाद सीतापुर में भी एक पिन कोड है, सीतापुर में दो पिन कोड हैं जो ब्लॉक चल रहे हैं, जहाँ पे डिजीपे लाइट के जो यूजर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। दो नहीं, तीन हैं, सीतापुर में है, इसके बाद कसरवा है, इसके बाद सुल्तानपुर में भी हैं, दो पिन कोड यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इन पिन कोड में से आते हैं तो आपकी जो डिजीपे लाइट यूज़र की आईडी है वो वर्क नहीं करेगी। तो आप लोगों को करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने पिछला वीडियो बताया था कि डिजीपे लाइट यूज़र को एक्टिव कैसे करना है, गूगल पीडीएफ कैसे सेंड करना है, मेल करना है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को और सीएससी टीम को भी, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा पिछले वीडियो का, उस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो जितने भी हमारे डिजीपे लाइट यूज़र ब्लॉक चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ थी कि उन लोगों को अब जानकारी मिल चुकी है कि हमारे पिन कोड ब्लॉक तो नहीं है, जिससे उनका डिजीपे लाइट यूज़र नहीं चल रही। अगर आप ब्लॉक है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कीजिए, आपका जो डिजीपे लाइट यूज़र है फिर से अनब्लॉक किया जा सकता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीएससी वीली भाई नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो लेटेस्ट और लीगल जानकारी आप लोगों को तुरंत मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।